नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकङ्गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तमलकं च शिष्यम् तोटक वार्तिककारमन्यान् मन अस्मदुरा चैप्टर थ्री ऑफ भगवदीता इन चैप्टर थ्री भगवान इलाबरेट्स ऑन द टॉपिक ऑफ कर्मयोग दट इस वाई द चैप्टर चैप्टर् इट्स ईज काड कर्मयोग थ्री इज कर्मयोगा। In the beginning of this chapter, Arjuna asks a question. And Arjuna's question is based on the previous chapter Krishna's teaching in the previous chapter. In the previous chapter, Krishna talked about Jnana Yoga as well as Karma Yoga. आफ्टर डकान योग एंड कर्मयोग कृष्ण आलो सैड दैट ज्ञान इस द डईरेक्ट मीन फॉर् मोक्ष है लिसन टू दिस अर्जुन गेट्स ए क्वेश्चन देर इज कर्मयोग एंड ज्ञान योग एंड ज्ञान योग इज द डायरेक्ट मीन फॉर् मोक्ष बट कृष्ण हेज आस् मी टू डू कर्मयोग बैसेंग कर्मण्यविक कर्मणि एव अधिकारस्ते न ज्ञानी न ज्ञाननिष्ठाया दिस् मेन्श दे अर्जुन आस्किंग ए क्वेश्चन इफ ज्ञान इस ग्रेटर देन कर्म यू आर फोर्सिंग मी टू डू कर्म दिस अर्जुन क्वेश्चन यू सेड ज्ञान इज ग्रेटर देन कर्म

तत्क कर्मणि घोरे मं निजयसी केशवा द अर्जुन ईजकिंग क्वेश्चन दट ईज हाउ द बिगिन्स एंड एस दि आंसर टू दिस् क्वेश्चन भगवान टॉक्स अबाउट टू निष्ठास टू कमट्ट्स लोके निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैयान घानगे देर। योगिनाष्ठा टाइप्स ऑफ कमिटमेंट्स एंड द टू कमीट्ट

Which is predominantly that of a Grihastha. Thus, Krishna divides the two nishtas. The two commitments are divided, implying that jnana and karma are not performed by the same person at the same time. वन हू कमिट्स टू ज्ञान एंड वन हू कमिट्स टू कर्म आर् टू डिफरेंट पीपल देर फॉर ज्ञानकर्म समुच्चय द कंबाइंड पर्फॉर्मेन्स ऑफ ज्ञान एंड कर्म ईज नाट एंडारड बै कृष्ण इट इस एविडेंट फ्रम कृष्ण आंसर अर्जुन क्वेश्चन नौ इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर भाष्यकार रईट एंड इलाबरेट संबंध भाष्य लीडिंग टू दिस चैप्टर देर हि अड्रेस ए पूर्वपक्ष एंड हियर दूर्वपक्ष इस वन वृत्ति वी डोट नो हिसम बट फ्रम शंकराचार्य स्वर्क

नो भाष्यकार ईस रेफरिंग टू वृत्तिकार एंड ही टेक्स वृत्ति इंटरप्रिटेशन एस् पूर्वपक्ष शंकराचार्य डस नॉट एग्री विद हिस इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवद्गीता Why Shankaracharya does not agree with his interpretation? It is because the Vritti Kara is a Vadi. He talks about Jnana Karma samuccaya a combined performance of Jnana and Karma. टुगेदर् लीड टू मोक्ष ज्ञानकर्म समुच्चय इस दीन्स फॉर् मोक्ष दिस् द कंटेन्शन ऑफ वृत्ति देर् फॉर हि विंटर्प्रिट भगवदीता अकॉर्डिंग टू हिस समुच्चय नो भाष्यकार इस रेफ्यूटिंग हिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बाय शोइंग हाउ अर्जुन क्वेश्चन इन दिस चैप्टर एस वेल एस कृष्णस आंसर टू द क्वेश्चन कैन नॉट बी एक्सप्ले इफ वी फॉलो द कंटेंशन ऑफ वृत्तिकार

इन दि संबंध भाष्य एंड बिफोर दैट ही रिमैंडसस् वाट ही हेस् व्हाट् वी हव् डिस्कस्ड व्ट वी हेव् लड इन द प्रीवी चैप्टर् स्टार्ट द भाष्य शास्त्र प्रवृत्तिवृत्ति विषय भूते बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्ये बुद्धि ही योगे बुद्धि ही दिस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ चैप्टर टू व्हाट् वी लैपू

योग बुद्धि योगे बुद्धि दि अंडरस्टैंडिंग डीलिंग विद द योग कर्मयोग इट इज रिलेटेड टू प्रवृत्ति एक्शन वाट इज द राइट एक्शन ऐंड वाट कैंड ऑफ एटिट्यूड वन शुड हव् वायल परफॉर्मिंग दि ऐन इट इस दि अंडर्स्टेडिंग डीलिंग विद कर्मयोग देरफर इट इस प्रवृत्तिषये विषयूता बुद्धि प्रवृत्तिषयभता बुद्धि देख्यबुद्धि आत्मज्ञान सांख्येबुद्धि मीन आत्मज्ञान आत्मज्ञान निवृत्ति विषय भूता बुद्धि इट डील्स विद निवृत्ति इट एसोसिएटेड विद द निवृत्ति विड्रॉवल फ्रॉम एक्शन फ्रीडम फ्रॉम एक्शन कर्मत्याग इस निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे एंड दे आर सांख्य बुद्धि ही योगे बुद्धि बुद्धि ही इति च दीस टू अंडरस्टैंडिंग्स एंड इवन इन चैप्टर टू दीस टू अंडरस्टैंडिंग्स आर डिस्टिंग्विश्ड

इन द प्रीवियप्टर देर् फॉर द टू बुद्धिस दे आर भिन्न पुरुष अनुष्ठे दे आर टेकन टू बै टू डिफरेंट पीपल दे कै नॉट को एक्सिस्ट इन द सेम पर्सन the same person cannot become a karma yogi as well as a jnani it is not possible if he is a karma yogi he cannot be a jnani and if he is a jnani he cannot become karma yogi contrary to the popular understanding दैट ईज दि ईडिया ऑफ् सुच्चय अभाव इंपॉसबिटी ऑफ् समुच्चय त्रजहा यदा काम इअ्यायरसमें

तत्र इन द प्रीवियस चैप्टर प्रजहाति यदा कामान इत्यारभ्य स्टार्टिंग विद प्रजहाति यदा कामान श्लोक 255, फिफ्टी स्टार्टिंग विद दिस श्लोका आ अध्याय अध्यासमें टिल द एंड ऑफ द द एंड ऑफ द चैप्टर सांख्यबुद्ध्याश्रितास कर्तव्य उंख्यबुद्ध्याश्रिता दोस हू हैव टेकन टू बुद्धि Jnana Yoga, Atma Jnana, for them, Sannyasa was mentioned as Kartavya, Sannyasam Kartavyam Uktva. Sannyasa was stated as the duty for the Jnanis as well as. दोसो सीक ज्ञान एंड देन तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता तेषां सांख्य बुद्ध्याश्रितानां हैव टेकन टू सांख्य बुद्धि दोस हैव टेकन टू ज्ञान एव तनिष्ठतया एव बाय मीन्स ऑफ ज्ञाननिष्ठा एलोन बाय अबाइडेंस इन ज्ञान एलोन एव एव मीन्स दे डोंट नीड कर्म विदाउट कर्म एव एक्सक्लूड्स कर्म ए ज्ञानी डस नॉट नीड असिस्टेंस ऑफ कर्म तथता उप्ति ये ही ते दे हेव एका्लिश्श मोक्ष वन हू हेजॉंप्लिश्ड मोक्ष दरमपुरुषाथ मीन्स परमुषाथ विच इज मोक्ष वन हू हैज्लिश परमुषाथ ईज का तस्य कृतार्थता द स्टेटस कृतार्थ इज कॉल्ड कृतार्थता मीन्स मुक्तता द ऑफ बीइंग मुक्ता विच इज नथिंग बट मोक्ष इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग मोक्ष उक्ता कृतार्थता उक्ता। मोक्ष वॉज टेटेड एज द फला फॉर दोज हू आर्बडिंग इन ज्ञान एक ब्राह्मी स्थिति बै द श्लोक ब्राह्मीस्थिति पार्थ इत्यादी ज्ञानी गेट्स मोक्ष दिश्स वाज मेन्शंड ज्ञान योग ज्ञान निष्ठा लीड्स टू तो मोक्ष दिस वाज मेंशनड देन अर्जुनायच अर्जुनायच कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते माते संगोस्त्व इति कर्म एव कर्मणैव कर्तव्यं, कर्तव्यं उक्तवान कर्तव्यं उक्तवान कर्तव्यं उक्तवान योगबुद्धिं आशिष्य नतत एव श्रेयः प्राप्तिम उक्तवान अर्जुनाय च अर्जुनाय च च मीन्स तू बट फॉर् अर्जुन ही से कर्मयोग कर्म एवं कर्तव्यं उक्तवान कृष्ण टॉट कर्म एस एस् कर्तव्य एस् व्हाट ही सपोज टू डू एंड हाउ ही शुड पर्फाम कर्म योगि आश्रि एक्सेटिंग योग बुद्धि एक्सेटिंग द एटिट्यूड ऑफ ए कर्मयोगी न तत एवं श्रेय प्राप्ति But he did not tell Arjuna that karma yoga itself will lead to moksha. Tataha eva, karmana eva, yoga buddhim ashitya, kriyamani na karmana eva, moksha pra, of praptim na uktavan. Bhagavan didn't tell Arjuna that.

सत्वशुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति एंड ज्ञानन मोक्षा देर् फॉर कर्मयोग इज एन इनडायरेक्ट मीन्स फॉर मोक्ष इट वॉज आलो इंटेंडेड इन चैप्टर टू दट ईज वाई इज नो स्टेटमेंट इन चैप्टर टू विच से कर्मयोगा इट्स मोक्ष डायरेक्ट

इन द बिगिनिंग ऑफ् चैप्टर थ्री ईज बेस्ड ऑन वाट ही हेज इन चैप्टर टू तदेत्य पर्याकुभूतबुद्धि अर्जुन उवाच कथम भक्तायेने

Having taken note of what Krishna told in chapter 2, Arjuna got disturbed in his mind. He was puzzled, bewildered. Why? Because jnana is the direct means for moksha.

अर्जुन उवाच अर्जुन आस इन बिगिनिंग ऑफ चैप्टर थ्री एंड व्हाट डस अर्जुन आस्क व्हाट इज देर इन अर्जुन माइंड व्हेन ही इज आस्किंग द क्वेश्चन भाष्यकार कैप्चर्स अर्जुन माइंड मैंड कथम हाउ भक्ताय श्रेय ऐम अर्जुन ऐंड ऐम अथी ई वाण मोक्ष ऑल्सो अर्जुन ईज मुक्षुंड ऑफ ही हेज स मु मुमुक्षु दो इट इज नॉट अ तीव्र मुमुक्षुत्व ही हेज स मुमुक्षुत्व श्रेय एंड हाउ डू यू नो अर्जुन इस मुक्षु मे शिष्यस्ते हम शाधि ताम प्रपन्न अर्जुन है साफ मोक्ष इन बिगिनिंग ऑफ चैप्टर टू देर फॉर ही श्रेयोर्थी यक्षा निशेय साेय प्राप्ति साधन द साक्षात् शेयस् प्राप्ति साधन द डायरेक्ट मीन्स फॉर मोक्ष साक्षात् डायरेक्टली शेय प्राप्ति साधन द मीन्स टू अटेन मोक्ष शेयर वाट इज सांख्यबुन सांख्यबुनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा आत्मज्ञाननिष्ठा टॉक्ट अबाउट अबौट बुद्धि इन द बिगिनिंग राइट फ्रॉम श्लोक लेवन ऑफ चैप्टर टू गतासु न गतासूंशोच पंडिता ऑनवर्ड्स अब टू एकता सांख्ये बुद्धि शुणु इट् वॉज्ञान आत्मजान वस्ट डेस्पैट दट भगवान्ट् आस्किंग अर्जुन टु कमिट् हिमसेल् टू ज्ञान योग

दृष्ट अनेकानुक्ते कर्मणि। नो अर्जुन इज टॉकिंग अबाउट द डी ऑफ कर्म दृष्ट अनेक अनर्थयुक्त कर्मणि। द कर्म हैज मेनी विसिबल अनडिजायरेबल क्वालिटीज। मेनी विसिबल डिशास्टर्स आर् इन्वाड इन कर्म दृष्ट अनेक अनर्थयुक्त कर्म कंशियस् ऑफ मेनी अनर्थस् मेनी अंडिजयरबल क्वाटी एंड दे आर ऑल दृष्टा दे आर आर्सीबल नॉट अदृष्टा. Not that now you do karma and later on you will get anartha. Even visibly, while performing karma itself, there are many difficulties. Many unpleasant qualities. Like in the case of Arjuna, killing his own relatives. So, karma involves many difficulties.

अनेका श्रेयफ प्राप्ति फले द श्रेयफ प्राप्ति फला द फला ऑफ कर्म विच इन द फॉर्म ऑफ श्रेय प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति इट इज इस इनडेफिनेट वेर एस ज्ञान इज डेफिनेट आफ्टर गेटिंग ज्ञान देर इज नो डाउट वेदर यू विल गेट मोक्ष आर नॉट

सम आफ्टर हंड्रेड जन्म वी डोट नो वे अनेक जन्म संसिदी आर् द डी मेरीट्स ऑफ कर्म बट भगवान्ू कर्म कथम नियुज्या हौ कैन ही डू दिस् हौ कैन ही आस्ट मी टू डू कर्म

इन्स्टेड ऑफ मेकिंग मी कमिटू ज्ञान ही इज आकिंग मी टू डू कर्म हव इज इट पॉसिबल वाट इज राी ई सिट समिंग रांग विद मी ऑर्ट समथिंग रांग वि कृष्ण युक्त पर्याकुभा अर्जुन से इति अर्जुनस्य से पर्याकुली भाव युक्त इन दिस मैनर अर्जुनस्य से पर्याकुली भाव पर्याकुली भाव द कन्फ्यूशन ऑफ अर्जुन इस युक्त इस प्रॉपर मीन्स इफ अवर एक्सप्लेनेशन इस टेकन

दिस क्वेस् ऑफ अर्जुना कै नॉट बी जस्टिफाइड दूर्व पक्षी कैनाट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ऑफ अर्जुना ही विल हेव डिफिकल्टी विद समुच्चय वाद दिस क्वेस्ट कै नॉट बी एक्सप्ले द क्वेश्चन विल बिकम अयुक्त बट विथ अवर सिद्धांत दिस पर्याकुली भाव ऑफ अर्जुना द कन्फ्यूशन ऑफ अर्जुना एंड एस अल्ट दर्जुना बोथ आर्त बोथ प्रॉपर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग पूर्व पक्ष भाष्यकार इज शोई हाउ अकॉर्डिंग टू अस इन अवर इंटरप्रिटेशन द क्वेश्चन कैन बी प्रॉपर्ली जस्टिफाइड एंड नॉट ओन्ली दचन कैन बी ईज़िलि जस्टिफाइड इवन दि आसर् कैन बी ईजिलि जस्टिफाइड तदनुप्च प्रश्न जायसी चेत प्रश्ना पा, प्रश्ना पाकरण वाक्यंच भगवतोक्तं युक्तं, युक्तं यतोक्तविभाग विषये शात्रे तदनुरूपश्च प्रश्नः पर्याकुली भाव अनुरूपश्च प्रश्नः बेस्ड ऑन द कन्फ्यूजन ऑफ अर्जुन

भगवान्स रिप्लाई द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रश्न अपाकरणम रिप्लाई टू क्वेश्चन रिप्लाई टू अर्जुनस क्वेश्चन प्रश्नस्य अपाकरणम सॉल्विंग अर्जुनस क्वेश्चन सॉल्यूशन टू अर्जुनस क्वेश्चन लोकेष्मिन विविधा निष्ठा इत्यादि इन श्लोका 3 It is also yuktam. It is also justified. It, can, it, it is also explained. If we accept our interpretation, Yathokta Vishvibhaga Vishayeshastre, and what is our interpretation? We talk about.

Jnana and Karma, as explained before, Yathogta, as explained in Chapter Two, as well as as explained in the beginning of this bhashya So, if we accept our interpretation that Gita Gita Shastra talks about two nishthas two buddhis and two nishthas there are two buddhis two different types of understandings and based on the two understandings there are two nishthas buddhidvaya shitam dvayam there are two commitments and the commitments are based on two different types of understandings

If this is accepted, if this interpretation of Bhagavad Gita is accepted, then there is no problem in explaining the question of Arjuna as well as Krishna's answer. Having said this, now Bhashyakara introduces another interpretation the interpretation of vrtikar Kara's interpretation of bhagavad gita which is based on samuccaya vada and he says Kara cannot justify the question as well as the answer Not only he cannot justify Arjuna's question and Krishna's answer, he cannot even justify his own statements. Bhashyakara shows how Vrittikara is self-contradictory. He contradicts himself in his own work.

हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ